दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे कि स्टेयरिंग व्हील के ऊपर बने बटनों को एंड्रो स्टीरियो के साथ पेयर कैसे किया जाता है। कई बार क्या होता है, अपने स्टेयरिंग व्हील के जो बटन होते हैं उनकी पेयरिंग किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अनपेयर हो जाती है, जिससे हमें दिक्कत आती है। आज हम आपको ये बताएंगे भी स्टेयरिंग व्हील के बटनों को एंड्रो स्टीरियो के साथ कैसे पेयर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले हमने स्टीरियो के अंदर की सेटिंग के अंदर जाना है। इसको होम पे है, देखो अपना होम पोजीशन पे है। इसके पहले हमें सेटिंग को क्लिक करना है। सेटिंग के बाद इसके अंदर हमें स्टीयरिंग सेटिंग, ये देखो लिखा है स्टीयरिंग लर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखो ऑप्शन आगे सारे जो फंक्शन हमने स्टीयरिंग व्हील के साथ पेयर करने हैं। मैं आपको एक एक करके इन फंक्शनों के बारे में बताऊंगा। देखो ये स्टीयरिंग व्हील के अपने बटन हैं, इनके साथ हम इन बटनों को पेयर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम के बटन को दबाएंगे प्लस को, इसको दबाएंगे और उसके बाद ही हम साथ के साथ इस बटन को दबाएंगे। देखो इसको दबाने के बाद देखो इस पे ऊपर टिक का निशान आ गया, छोटा सा टिक का। उसके बाद हम फिर ये वाला बटन दबाते ही इस बटन को नीचे कर देंगे। ये सक्सेस हो गया, ये देखो टिक का निशान आ गया। उसके बाद हम ये वाला बटन दबाते ही इस बटन को दबा देंगे, ये देखो। और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया हमें, दोबारा करेंगे, देखो दबाते ही हम इसको दबा देंगे, ये सक्सेस हो गया। पर हम इस बटन को दबाएंगे, फिर इस बटन को दबा देंगे, ये देखो ये भी सक्सेस हो गया। फिर आगे हम ये मॉडल के बटन के ऊपर इस बटन को दबाएंगे, उसके बाद हम इस बटन को दबा देंगे, ये देखो सक्सेस हो गया। इसके बाद हम आपको बताएंगे भी ये जो अपने कॉल के बटन होते हैं उनको कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भी कॉल का उठाने वाला बटन कहाँ है। ये रहा अपना बटन, ये वाला बटन है। इस बटन को हम इस बटन के साथ पेयर करेंगे। चलो इस बटन को क्लिक कर दो, तो इस बटन को क्लिक कर दो, वो सक्सेस आ गया, ग्रीन कलर आ गया, तो अपना ओके हो गया। और फिर रखने वाले बटन को क्लिक करेंगे, ये भी सक्सेस हो गया। और ये एक रह गया अपना, ये यानी कि ये ब्लूटूथ वाला बटन है। इसके साथ हम कोई भी बटन अपनी मर्जी से पेयर कर सकते हैं, जैसे डिफ्ट का बटन है, अगर आप इसको पेयर कर दोगे ये भी हो जाएगा इसके साथ, ये देखो हो गया। इसका बटन का ये फायदा है, मान लो आपने ये स्क्रीन को चलती गाड़ी के अंदर आपने इसको ब्लैक करना है और म्यूजिक भी चलता रहे, तो आप क्या करेंगे को ये अपना वो सेटअप ओके हो गया स्टीयरिंग व्हील के बटनों का, आप कैसे भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब हम इसको होम पे जाएंगे, बंद कर देंगे, ये गए होम पे, इसको बंद कर दिया अब हमने। अब ये देखो ये बटन जो मैंने पेयर करा था, इससे क्या होगा, इसे ये अपनी स्क्रीन ब्लैक होगी, यानी कि रात को म्यूजिक भी चलता रहेगा और स्क्रीन भी ब्लैक हो जाएगी और अपनी आंखों में लाइट नहीं पड़ेगी। तो इस बटन को ओके करेंगे और ये देखो वॉल्यूम के जो हमने बटन करे हैं उनको हम चेक करेंगे दोबारा। देखो ये वॉल्यूम प्लस हो रही है, ये देखो ये प्लस हो रही है। और अगर नीचे को करेंगे इसको नीचे करेंगे तो ये माइनस हो रही है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप गाड़ी के और फंक्शनों के बारे में जानकारी चाहते हैं, मीटर के फंक्शनों के बारे में या कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अभी आपको कौन सी जानकारी चाहिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद साथियों।